हेलो फ्रेंड, क्रिएटर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन बार को आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाकर आपको दिया था, लेकिन हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया और कई लोगों ने मुझे कॉल भी किया, और उनका कहना यही था कि हमने जैसे सब्सक्राइब का बटन लगाया हुआ है नेविगेशन बार के अंदर, तो उसके ऊपर क्लिक हो वैसे ही हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाना चाहिए, और शेयरिंग के आइकन के ऊपर क्लिक हो वैसे ही हमारा जो है एप्लीकेशन का लिंक शेयर हो जाना चाहिए व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर। तो इसी के ऊपर मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिल जाए और आप कुछ नया सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या बताया था कि जैसे ही आपका सब्सक्राइब के ऊपर बटन क्लिक हो वैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमने तीन बटन लिया हुआ था इस नेविगेशन बार के अंदर। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के ऊपर बताया हुआ था, यहाँ पर मैंने दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपके सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक हो तो किस तरीके से आपका यूट्यूब का चैनल ओपन होगा, और शेयरिंग के आइकन के ऊपर क्लिक हो तो किस तरीके से आपका एप्लीकेशन का लिंक शेयर होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के ऊपर चले आना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिविटी स्टार्टर आपको मिल जाएगा, तो आपको इसे उठाना है और यहाँ पर लाकर आपको इसे छोड़ देना है। अब ये छोड़ने के बाद में आपको एक्शन के अंदर क्या लिखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है एंड्रॉयड डॉट इंटर्न डॉट एक्शन डॉट व्यू। व्यू जो आपका होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर भी दिख रहा होगा तो आप देख कर भी टाइप कर सकते हो। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने अपने चैनल के लिंक को लिया हुआ है तो मैं ही इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में मैं इसके यूआरएल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाटा यूआरआई लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लाना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देना है। अब ये हमने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको शेयरिंग के लिए एक आइकन लेना होगा, तो यहाँ पर आपको सोशल के अंदर आना है, और सोशल में आने के बाद में इस शेयर वाले को आपको लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसे छोड़ देना है। बस ये काम आपका डिजाइन के अंदर हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको ब्लॉग के अंदर आना है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को डिलीट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये शेयरिंग का लिखा हुआ है, तो मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। आपके सामने सब कुछ मैं स्टार्टिंग से करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको इसे राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद में आपको यहाँ पर इसे लगा देना है। तो ये होम वाला जो है आपको इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हमें सब्सक्राइब के लिए देना है, तो यहाँ पर आपको इसे राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर आपको इसे लगा देना है। अब ये लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको इस वाले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को भी यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि एक्टिविटी स्टार्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको इस वाले ब्लॉक को लेना है, स्टार्ट एक्टिविटी को, और यहाँ से आपको एक्टिविटी को स्टार्ट करा देना है। अब ये काम आपका हो गया। फिर से आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करने के बाद में आपको इसे नीचे के साइड में लगा देना है। अब ये लगाने के बाद में फिर से आपको इस शेयर वाले को आपको राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर लाकर आपको इसे छोड़ देना है। ये सब्सक्राइब वाले को आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसे डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद में आपको यहाँ पर लाना है और इसे लगा देना है। अब ये लगाने के बाद में फिर से आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको भी डिलीट कर देना है, और यहाँ से आपको जो शेयरिंग वाला आपने लिया था इसको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको लेना है शेयर मैसेज, आपको इस वाले ब्लॉक को लेना है और यहाँ पर लाकर आपको इसे छोड़ देना है। फिर से आपको इसे राइट क्लिक करना है और यहीं से आपको इसे डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद में आपको यहाँ पर लगा देना है, और लगाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपको लिखना होगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड लिख देता हूँ, और डाउनलोड लिखने के बाद में आपको यहाँ पर अपने लिंक को भी पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अपने एप्लीकेशन के लिंक को ले लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा हिंदी समाचार है, ये मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाया हुआ है, तो आप भी दे सकते हो, आप इसे डाउनलोड कर लेना। और आपने इसे अभी तक 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया है तो प्लीज़ आप हमारे इस एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसके राइट क्लिक करता हूँ और यहीं से मैं इसे कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद में फिर से आपको कोडलर के अंदर आना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया।
अब यहाँ पर हमारा ब्लॉक का काम पूरा हो चुका है, तो हमें क्या करना है कि आपको डिज़ाइन के अंदर चले आना है। डिज़ाइन में आने के बाद में मैं आपको इसे लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसके कोड को स्कैन कर लेता हूँ, और स्कैन करने के बाद में मैं आपको इसे लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कोड स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि PNG वगैरह रहता है, तो ये लाइव टेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन जो है लाइव टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने होम पर कल वाला ही होरिजेंटल अरेंजमेंट हमने रहने दिया था, और सब्सक्राइब के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुरंत ही हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने यूज़र को अपने एप्लीकेशन से अपने चैनल पर भी आप भेज सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शेयरिंग के ऊपर हमने जो ब्लॉग लिखा हुआ था, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसको भी आपको व्हाट्सएप करना होगा वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको जिसके ऊपर भी आपको सेंड करना है, आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसे सेंड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने डाउनलोड लिखा था, उसके बाद में हमने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ था, तो वो भी आ चुका है। अब इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो तुरंत ही आप प्ले स्टोर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड भी ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सब डिज़ाइन आपको कैसे करना है, तो यही सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहो तो इस टैब लेआउट का बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मदद से आप बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी बना सकते हो। अगर आप चाहो कि यहाँ पर आप इसे ऊपर के साइड में आप लगा सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस सब के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताना, मैं वीडियो बना कर दे दूंगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन और सूचना को आप लगातार पा सकते हैं। ऐप क्रिएटर देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।